हेलो, आई एम डॉक्टर देवेंद्र सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर एक्सपर्ट कैंसर होम्यो क्लिनिक सिचुएटेड इन लखनऊ, दिल्ली एंड मुंबई. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड 40 ईयर्स बिफोर फॉर द पर्पस ऑफ क्योरिंग द इनक्योरेबल केसेस लाइक कैंसर, किडनी फेल्योर, एप्लास्टिक एनीमिया एट्सेट्रा. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन मीडियम से. आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिंस कैंसर के केस को ठीक करती हैं और उसको प्रत्येक स्टेज में लाभान्वित करती हैं. मैंने अपने 40 वर्ष के करियर में मेडिकल कॉलेज और क्लिनिक में कैंसर का ट्रीटमेंट किया और यह देखा कि यह कैसे ठीक होती है, इसको किस स्टेज में क्या दवा दी जाए. इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और कैंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ. अक्सर पेशेंट की एक बहुत बड़ी क्वेरी रहती है कि डॉक्टर साहब, हम होम्योपैथिक मेडिसिंस कैंसर के ट्रीटमेंट में कब से लें और कितने समय तक लें. मैं आपकी नॉलेज में ये बात डालना चाहता हूँ कि जब कैंसर पेशेंट की डायग्नोसिस होती है तो वह बड़े बड़े अस्पतालों में भागता है. वहाँ पर उसको हफ्तों महीनों लग जाते हैं जांच कराने में. जब तक वहाँ जांच नहीं पूरी होती है तब तक वह बेचारा बिना मेडिसिन के रहता है. और यह भी देखा गया है कि इस लंबे समय में उसका मर्ज कई गुना बढ़ जाता है. होम्योपैथिक मेडिसिन कैंसर के केसेस में शुरू से दी जा सकती है. जैसे जैसे पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आती रहती हैं, हम उसके ऊपर देखते रहते हैं. और ट्रीटमेंट के दरमियान एक चीज़ ये भी देखते हैं कि फॉलो अप में हम उसको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली रिपोर्ट्स कराते हैं और जज करते हैं कि पेशेंट की पहले से आज की डेट में क्या स्थिति है. होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू से देने से पेशेंट की कम से कम मर्ज बढ़ता तो नहीं है. आज के परिप्रेक्ष्य में पेशेंट की दूसरी क्वेरी रहती है कि डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक मेडिसिन से कैंसर कैसे ठीक करते हैं और उस समय जब कि लास्ट स्टेज में पेशेंट पहुंच गया हो. मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि होम्योपैथिक फर्स्ट स्टेज में मरीज को पूर्णतः स्वस्थ करती है और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है. उसके लिए हम लोग 3 मंथली, 6 मंथली, 9 मंथली, ईयरली उसके टेस्ट कराते हैं रेडियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली एसेस करने के लिए. सेकेंड स्टेज में जब कैंसर सेकेंड स्टेज में पहुंच गया हो तो उस समय होम्योपैथिक मेडिसिंस लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती है, मर्ज को और ऑर्गन्स में फैलने से रोकती है, जैसे जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं. सपोज़ करिए किसी को प्रोस्टेटिक कैंसर है तो वो कोशिश करेगा कि वर्टिब्रल कॉलम में, बैक में, हिप बोन में, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, लिवर में फैलने की पूरी चेष्टा करता है. वहाँ पे हम सेकेंड स्टेज में पूरी कोशिश करते हैं कि ये मेटास्टेसिस ना हो और पेशेंट को आराम मिले, लाइफ प्रोलॉन्ग होते देखा है. थर्ड स्टेज में जब पेशेंट बेइंतहा पेन, इनटॉलरेबल पेन जिसकी कोई इंतहा नहीं होती है, वो पीड़ित होता है और उस समय मॉर्फिन के पैच, मॉर्फिन के इंजेक्शन भी वक्ती काम करते हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन से उसके पेन सबसाइड होते हैं, इवन गायब होते देखा है मैंने. कैंसर में होने वाले घाव, ब्लीडिंग, अल्सर, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से हम लोग बहुत जल्दी चेक करने में सक्षम हैं. लास्ट स्टेज में जब पेशेंट कैंसर का आता है तो वो बहुत सी चीज़ें लेके आता है, जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स.
हमारी होम्योपैथी उन साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स दूर होते हैं और बिल्कुल गायब हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिंस कैंसर में किस प्रकार काम करती है, ये एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं। नंबर वन, होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी खुद सक्षम होती है बीमारी से लड़ने में, और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारी दवा के साथ साथ मरीज का शरीर भी उसको भगाने में सक्षम है। होम्योपैथिक मेडिसिंस पहले मर्ज को रोकता है, फिर धीरे धीरे उसके सिम्टम्स को कम करता है, उसकी मेटास्टेसिस को रोकता है, और वहाँ पर भी उन जहाँ जहाँ मेटास्टेसिस हुआ है उनकी भी दवा साथ में चलने से मेटास्टेसिस के भी लक्षण ख़त्म होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिंस मेटास्टेसिस रोकने, कॉम्प्लिकेशंस रोकने और कैंसर के इलाज में मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई और मेडिसिंस हैं। मैंने अपनी 40 साल की निष्ठावान प्रैक्टिस में ये देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिंस का कैंसर पर इतना अच्छा रोल है कि किसी चीज़ का नहीं है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिंस कैंसर के ट्रीटमेंट में किसी अन्य मेडिसिन के साथ भी दी जा सकती हैं, दोनों का आपस में कोई क्लेश नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिंस के इफ़ेक्ट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। मैं इस पूर्ण विश्वास के साथ दवा देता हूँ कि होम्योपैथी जैसा कि प्रचलित है जड़ से बीमारी को ख़त्म करने में सक्षम है।